चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आ गई। इससे यात्रा प्रशासन ने पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था को खत्म कर दिया है। ट्रांजिट कैंप में प्रतिदिन औसतन 2600 से 2700 तीर्थयात्री पंजीकरण के लिए काउंटरों पर पहुंच रहे हैं। 1 जून से यात्रा प्रशासन की ओर से 1500 तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का स्लॉट बनाया गया था। कुछ दिन बाद 2000 का स्लॉट जारी किया गया, फिर 3000 किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में 4000 का स्लॉट जारी करने की घोषणा कर दी। बाद में यह बाध्यता भी खत्म कर दी। बीते 3 दिनों ट्रांजिट कैंप में औसत 2600 से 2700 तीर्थयात्री काउंटर पर पंजीकरण कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ट्रांजिट कैंप परिसर में तीर्थयात्रियों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। कम तीर्थयात्रियों के आने से यात्रा प्रशासन ने अब पंजीकरण से पहले टोकन देने की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब तीर्थयात्री सीधे काउंटर पर आकर पंजीकरण करवाकर चारधाम की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। टोकन व्यवस्था को खत्म किया गया है। प्रतिदिन औसतन 2600 से 2700 तीर्थयात्री पंजीकरण करवाकर सीधे चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं।